सादलपुर केसुर क्षेत्र के जागरूक किसानों की बैठक का आयोजन भारतीय किसान संघ जिला धार के तत्वाधान में रामनगर कृषि उपज मंडी में संपन्न हुआ, जिसमें हरीश पटेल जिलाध्यक्ष, प्रांतीय महामंत्री महेश ठाकुर देदला, धार विकास खंड अध्यक्ष वासुदेव सांखला, बाकुर अली, राम भरोसे वर्मा आदि की उपस्थिति में हुई। धार जिले की धार तहसील के 200 के करीब जो ग्राम नर्मदा सिंचाई योजना से वंचित रह गए हैं, उनके लिए भी नर्मदा सिंचाई परियोजना स्वीकृत करने के लिए संघर्षरत रहते हुए आगामी 9 जनवरी को धार किला मैदान पर होने वाले प्रदर्शन में 10,000 से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की गई। संचालन बैठक प्रभारी प्रभात सिंह चौधरी ने किया। आभार समंदर सिंह कछवाया खेरोद मीडिया प्रभारी ने माना। ने नर्मदा जी लाने के लिए अपनी एक आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसी के उसमें 4 दिसंबर को ग्राम देदला में एक बड़ी योजना बैठक हुई थी और उसमें सबने निर्णय लिया था कि हम 9 जनवरी को, जो आने वाला वर्ष है 2023, चुनावी वर्ष भी है और उसका लाभ किसानों तक मिले, इसके लिए 9 जनवरी को एक बड़ा आयोजन धार में 10,000 की संख्या के साथ में एक सरकार से मांग करेंगे कि ये जो छूटे हुए लगभग 150 गांव हमारे नर्मदा जी परियोजना में छूट गए हैं, इनको जोड़ने के लिए एक बड़ी योजना बने और हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। ऐसी माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक उद्बोधन में कहा था कि मैं हर खेत को पानी दूंगा, तो उसी उसमें हम मांग करते हैं कि हर खेत तक पानी पहुंचे। और हमारे पास में माँ नर्मदा जी हम कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हमसे दूर है, वो हमारे यहाँ आ जाए। और हमारे कितने गांव लाभान्वित होंगे? 150 गांव लाभान्वित होंगे कम से कम, उसमें और कुछ जो नाम है जुड़ जाएंगे तो और बढ़ भी सकते हैं। जी आपका परिचय? महेश ठाकुर, भारतीय किसान संघ, प्रांत मंत्री जी। धार जिले के कितने, धार ब्लॉक के कितने गाँव लाभान्वित होंगे? ये धार ब्लॉक के करीब करीब 100 गाँव छूट रहे हैं और पूरी धार तहसील इस योजना में छूट रही है, जबकि इस योजना का लाभ सरदारपुर, धार जिले के सरदारपुर और बदनावर तहसील को मिलने जा रहा है, तो फिर धार तहसील क्यों छूट रही है पूरी? और अधिक प्रभावित यही तहसील हो रही है इसमें योजना में छूटने के कारण। तो भारतीय किसान संघ का ऐसा मानना है कि जब सारे किसान बराबर है, सरकार के लिए भी सारे किसान बराबर है, हमारे लिए तो खैर है ही। आगामी योजना क्या है आपकी? आगामी योजना 9 जनवरी को हमारा जो प्रदर्शन होगा उसमें सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से क्या हमको रिस्पांस मिलता है, नहीं तो उसके बाद में भारतीय किसान संघ अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में बैठकर आगे के बड़े आंदोलन के रूपरेखा बनाएंगे। आपका परिचय? हरीश पटेल, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष का दायित्व। माँ नर्मदा को मालवा क्षेत्र में लाने के लिए, पूरे धार जिले को सिंचित करने के लिए पतंजलि योग पीठ के द्वारा 2014 से प्रयास किए जा रहे हैं और उनके परिणाम भी मिले हैं। बदनावर, सरदारपुर, कुक्षी और मनावर जैसे क्षेत्र को पर्याप्त जल प्राप्त हो चुका है, लेकिन हमारा क्षेत्र जो है सादलपुर, केसूर, जो धार विकास खंड का बदनावर क्षेत्र में होते हुए भी छूट गया है। जिस ये बागेड़ी नदी को लाभान्वित, तो बागेड़ी नदी में मिल सकती है क्या? ऐसी योजना है, योजना जो बन रही है ये पाइपलाइन वाली योजना है और जब अतिरिक्त जल होगा तो वो नदियों में और नालों में जाएगा। हम आपका किसान संघ के सद प्रयासों को पतंजलि योगपीठ के द्वारा पूरा सहयोग प्रदान करना चाहते हैं और कंधे से कंधा मिला करके माँ नर्मदा को लाने के प्रयास में हम जुटे हुए हैं। आपका परिचय? मैं राम भरोसे वर्मा, पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी, जिला धार, मध्य प्रदेश।